हेलो फ्रेंड, मैं निवेदिता पाल। आप देख रहे हैं सुपर मॉम की रसोई में। फ्रेंड, मैं आपके लिए लाजवाब एक रेसिपी लेके आई हूँ जो आप रोटी के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ भी। तो रेसिपी का नाम है कोकोनट चना दाल। तो आइए फ्रेंड, हम लोग कोकोनट चना दाल कैसे बनाते हैं ये रेसिपी को जल्दी से देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर चना ले चुके हैं, चना दाल जो मैंने पहले से 1 घंटा भिगो कर मैं 3 सीटी मार चुकी हूँ फ्रेंड। तो देखिए अच्छी तरह से ये पक चुका है बॉयल होके। इसका ही हम लोग अभी कोकोनट चना दाल बनाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई ले चुके हैं। कढ़ाई में हम लोग सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग हम लोग सरसों का तेल ऐड कर चुके हैं। फ्रेंड, हम लोग कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फ्रेंड, हम लोग 10 से 12 हम लोग लहसुन ऐड कर देंगे। अभी हम लोग 1 चम्मच के लगभग 5 फड़ंग ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हम लोग कसूरी पत्ता ऐड कर देंगे। अभी हम लोग चॉपिंग किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर 1 बड़ा साइज का हम लोग प्याज ले चुके हैं। अब प्याज को हम लोग सुनहरा तक भूनने देंगे। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, एक बढ़िया कलर भी आ चुका है। अभी हम लोग चॉपिंग किया हुआ 1 बड़ा टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। मतलब टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम लोग कुछ मसाले ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 तेज पत्ता ऐड करूँगी, 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर दूँगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। जब हम लोग दाल को बॉयल किए थे तो उसमें हम लोग हल्दी ऐड किए थे फ्रेंड, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर चुके हैं और नमक भी ऐड किए थे दाल में। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुका है, टमाटर भी पूरा एकदम घुल मिल चुका है फ्रेंड। अभी हम लोग सारे चना दाल को इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम लोग चना दाल का पानी भी ऐड कर देंगे इसमें। अभी हम लोग 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अभी हम लोग कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड कर देंगे। फ्रेंड ये ताजा नारियल है जो हम लोग कद्दूकस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं इस कटोरी में ही हम लोग यहाँ पर 1.5 कटोरी दाल ऐड किए थे और 1 कटोरी हम लोग नारियल ऐड किए हैं। फ्रेंड अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे 5 मिनट तक हम लोग बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपका 5 मिनट तक हो चुका है, दाल भी बन के तैयार हो चुका है। अभी हम लोग 1/2 चम्मच के लगभग हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने से दाल का स्वाद ही बढ़ जाता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा चीनी ऐड कर चुके हैं। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आपका दाल तैयार हो चुका है। अब आइए इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग दाल को एक डिश में निकाल चुके हैं। अभी हम लोग एक बढ़िया सा छौंक लगाएंगे। हम लोग एक चट्टू में 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अभी हम लोग 2 सूखी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। गोटा जीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच के लगभग। थोड़ा सा हम लोग कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे फ्रेंड। और थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे फ्रेंड। दाल में आप जरूर हींग ऐड कीजिएगा, तब टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड आपका छौंक तैयार है। अभी हम लोग दाल में ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कद्दूकस के और नारियल ऐड कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, जो मैं पहले से ही थोड़ा सा बचा कर रखी थी। तो फ्रेंड देखिए आपका दाल बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड आप छौंक जरूर दीजिएगा, छौंक से ही दाल में टेस्टी आता है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है दाल, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देर किस बात का फ्रेंड, आप कोकोनट दाल घर पे जरूर बनाएं और आप रोटी के साथ खाइए, बहुत ही ये यम्मी लगने वाला है। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मैं आपको ऐसे रेसिपी देती रहूँगी। धन्यवाद।